भारत की गुरुकुल व्यवस्था एक उन्नत शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे कैसे खत्म हो गया। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट द्वारा गुरुकुलों एवं संस्कृत भाषा के अंत की रूपरेखा अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले द्वारा लागू की गई थी, लेकिन उससे पहले उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। तब उसने लिखा कि 1835 में भारत की साक्षरता 97% है। तब मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो सनातन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था एवं संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था और कॉन्वेंट स्कूल शुरू करने होंगे। तभी इस देश में शरीर से भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। लेकिन आज़ादी के बाद भी ये दमनकारी नीति लागू रही। संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 28, 29, 30 लिख दिया कि मुस्लिम और ईसाई कुरान और बाइबिल पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदू स्कूल में वेद, रामायण, पुराण, गीता नहीं पढ़ा सकते। अंग्रेजी शिक्षा नीति और कॉन्वेंट स्कूल के एजुकेशन ने हमारी संस्कृति को धीरे धीरे खा गया। हमारे पूर्वजों के दिए हुए वरदान, हमारे पूर्वजों के बलिदान और उनके कर्म को भारतीय इतिहास से दूर रखा, सच्चाई को छुपाया गया। हमारी सभ्यता और धरोहर को युवाओं ने भुला दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि जागरूकता के लिए और भी वीडियो बनाए जा सकें।